शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हर हर महादेव। आज का अध्याय हम शुरू करते हैं शिव पुराण का। एक एक वर्ड शिव पुराण का हम आपको बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप भी हर हर महादेव कमेंट में लिख दिया करें ताकि आप भी हर हर महादेव का लाभ उठा पाए। आइए जानते हैं अगले अध्याय के बारे में। सूत जी कहते हैं, मुनेश्वरों, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन बात का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुनो। पहले की बात है, प्रशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वह ध्यान में मगन थे। उसने जगने पर उन्हें ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वो बड़े वेग से उठा और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अद्र दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनती भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। मैं इस बात को दोबारा बोलता हूँ, सनत कुमार जी ने व्यास जी से क्या बोला, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान विष्णु भगवान शिव ही हैं, और ये दोनों एक ही हैं, आप इन दोनों में भेद ना करें। जो तुम्हारे साक्षात्कार विषय होंगे, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों साधन कहे गए हैं। आप इन तीनों साधनों से भगवान शंकर और भगवान विष्णु का मनन और कीर्तन करो। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर पहुंचा हुआ वह तपस्या करने लगा। पदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी, वह सबके साक्षी तथा शिव के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताने लगे और मुझसे बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारक हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है, ये बात नंदी जी ने कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धामों को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है, मतलब तुम्हें ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीनों साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, उसे मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यतन के ही मोक्ष मिल सकता है? तो आगे का अध्याय हम कल शुरू करेंगे। आप प्यार नहीं दे रहे हैं भगवान शिव के प्रति और शिव पुराण के प्रति आपकी कोई भक्ति नहीं है। यदि आप चाहते हैं
शिव पुराण सुन के आप अपने जीवन को उद्धारित कर सकें, अपने आप को और अपने परिवार को उद्धारित कर सकें, तो इन वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको शिव पुराण की पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो वर्ड टू वर्ड आपको बताया जाता है। इसलिए हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं कि शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।